हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बोतल से दूध नहीं पीना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स दूंगी जिससे अगर आप लगातार फॉलो करते हो तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अकॉर्डिंग बच्चों के लिए कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अगर माँ का दूध कम बन रहा हो या फिर माँ जो है वो किसी कारणवश कमज़ोर है, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, या फिर मदर जो होती है वो वर्किंग वुमेन है, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अगर आप अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकती हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस दूंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और अच्छे अच्छे बेबी एंड मॉमी रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको पता है आप वर्किंग वुमेन है या फिर स्टार्टिंग से ही आपका मिल्क का सप्लाई कम है, तो आप शुरुआत में ही जैसे ही बच्चे का 1 या 1.5 महीने हो जाए तो आप जो है बच्चे को बोतल इंट्रोड्यूस कर दें। शुरुआत में आप उन्हें रोज़ाना एक बार बोतल से फीड कराना शुरू करें, धीरे धीरे बच्चे को जो है वो बोतल फीडिंग की आदत हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, बच्चों को दूध देते वक्त हमेशा टेम्परेचर का ख्याल रखें। आप कोशिश करें कि बच्चे का जो ब्रेस्ट मिल्क का टेम्परेचर होता है जो कि हमेशा हल्का गर्म होता है, तो बच्चे को जब भी दूध दे बोतल में तो हल्का गुनगुना दूध दें। और इसके साथ बच्चे को रोज़ बोतल में भर के दूध दें। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा 1-2 दिन में कभी भी दूध पीना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे ब्रेस्ट फीडिंग की आदत है। तो इसलिए बच्चे को जो है किसी भी चीज़ में एडिक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ की आदत दिलाने के लिए उसे आपको वो चीज़ रेगुलर करनी पड़ेगी। आप ये रोज़ाना ट्राई करें, कम से कम 1 महीने में बच्चा ज़रूर बोतल से फीड करना शुरू कर देगा। अगली जो चीज़ आपको करनी है वो आपको करनी है, बच्चों को दूध पिलाने के बाद ढकार ज़रूर दिलाएं। बच्चे को जो है वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड या फिर बोतल फीड की आदत नहीं होती है, इसलिए जब भी वो दूध पीते हैं तो दूध के साथ वो जो है वो हवा भी अंदर ले लेते हैं, जिससे जो है उन्हें गैस बनने लगती है। इसलिए जब भी आप बच्चे को बोतल फीड कराएं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद या फिर एक फीड के बाद जो है आप उन्हें ढकार करवाएं, उसके बाद ही अगली फीड कराएं। इससे जो है बच्चे कंफर्टेबली आसानी से जो है बोतल फीड की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को जब भी आप बोतल जो है वो स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि जब बच्चा थोड़ी नींद में हो और हल्का भूखा हो तब वो आप उसे बोतल फीड कराएं। इसके साथ अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है तो उस समय आप बोतल देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चा नहीं पिएगा और उससे वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप बच्चे को बोतल की तरफ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप जो है वो अपने बच्चे को दूध कभी भी ना पिलाएं। इसका मतलब है कि एक माँ बच्चे को कभी भी बोतल से दूध पिलाने की आदत ना डलाए, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने माँ के स्पर्श को, उनके स्मेल को बचपन से ही धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। तो वो उन्हें पता होता है कि माँ से उन्हें जो है वो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, तो वो अपनी माँ से दूध कभी नहीं पियेंगे। आप चाहें तो आप अपने अदर फैमिली मेम्बर के, अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। आप ये रोज़ाना करें, रोज़ाना जैसे ही बच्चे को आपको लगे कि हाँ बच्चा फीड लेने वाला है तो आप उन्हें जो है बोतल रेडी रखें और किसी और रूम में अपने हस्बैंड के साथ बेबी को भेज दें। और ये आपको कंटिन्यूसली ट्राई करना है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने 1 दिन भेजा और उसके बाद बेबी फीड नहीं कर रहा है तो आपने छोड़ दिया। ये आपको लगातार करना है, तभी बेबी जो है बोतल से एडिक्टेड हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को दूध पिलाते वक्त माहौल को बिल्कुल शांत रखें। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अकेले रहें। इसके साथ टीवी, फ़ोन, ये सभी चीज़ें बिल्कुल दूर रखें। बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब कुछ फीडिंग के वक्त बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और हमेशा बोतल बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से ख़रीदें। उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो निप्पल का साइज़ होता है, ताकि बच्चे जो है निप्पल के साथ ज़्यादा हवा ना ले सकें, ज़्यादा दूध का फ्लो जो होता है वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग कम्फर्टेबल हो। बच्चों के लिए बोतल भी हमेशा उनकी उम्र के हिसाब से ख़रीदें। और इसके साथ उनमें मिल्क का फ्लो भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जितना एक बच्चे को चाहिए उतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ लोग सजेस्ट करेंगे कि आप ब्रेस्ट मिल्क को ही जो है वो बच्चे को बोतल में भर के दो, ताकि बच्चे को जो है टेस्ट जो है वो सिमिलर लगे और बच्चे आसानी से बोतल की तरफ जो है वो बढ़ने लगे, आसानी से बोतल के दूध को अडॉप्ट कर लें। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हो सकता है कि उनका
जो है वो ब्रेस्ट फीड की तरफ भी जो है वो अटेंशन कम हो जाए और बच्चे फॉर्मूला मिल्क भी लेना बंद कर दे, तो इससे आपकी बेबी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये आप बिल्कुल भी ट्राई मत करें अगर कोई किसी तरह की इमरजेंसी ना हो तब। ये जो तरीका है वो बच्चों के हेल्थ, माइंड एंड ग्रोथ सभी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस तो आपको बिल्कुल रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली ट्राई करना है, क्योंकि बच्चे जो है वो अभी न्यू है इस वर्ल्ड में, उन्हें किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने में समय लगेगा। समय तो बड़ों को भी लगता है, तो फिर तो वो बच्चे हैं। इसलिए बच्चों को बिल्कुल टाइम दे, बस आपको करना क्या है कि आपको रेगुलर उस चीज़ को बच्चों के साथ ट्राई करना है, बच्चे ज़रूर जो है वो धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट करने लगेंगे। क्योंकि फॉर्मूला भी जो होता है वो अलग अलग तरीक़ों का आता है, तो आप देखें कि अगर बच्चे को कोई एक फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट फ्लेवर बदल कर देखें, इस तरह से 2-3 फ्लेवर चेंज करके देखें, और अगर फिर भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आप जो बेस्ट फ्लेवर है वही चूज़ करें और उसे लगातार बच्चे को देने की कोशिश करें। और लास्ट पॉइंट और सबसे कारगर उपाय है नाइट टाइम फीडिंग। बच्चा जब रात में सो रहा हो, रात में बच्चे तो कई बार उठते हैं फीडिंग के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप फीडिंग की जगह जो है आप उन्हें बोतल देने की कोशिश करें, या आप रोज़ाना करें, बच्चे को ज़रूर इसकी आदत होगी। आप रोज़ाना कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप ये सारे टिप्स को हमेशा फॉलो करें, कंटिन्यूसली कम से कम 1-1.5 महीने तक करें, बच्चा बोतल से दूध पीना शुरू ज़रूर करेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको फ़ायदा हो तो कमेंट ज़रूर करें।